फिफ्थ देखिए, डिटरमाइन द एपी हूज फिफ्थ टर्म इज 19. ओके, तो फिफ्थ टर्म इज 19. तो फिफ्थ टर्म इज 19. अच्छा, फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 4d. फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू 19. ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई. कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ 8th एंड फ्रॉम द 13th टर्म. अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ना आता है? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए. कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म. इसका मतलब फ्रॉम द 13 टर्म का मतलब 13 टर्म में से माइनस करो किसको? 8 टर्म को. अब बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब फ्रॉम द 13 मतलब 13 टर्म में से माइनस करो किसको? 8 टर्म को. यानी कि 8 टर्म को हम लोग 8 से दिखाते हैं. तो 13 टर्म में से 8 टर्म को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाता है? 20. पढ़िए, एंड द डिफरेंस ऑफ 8 टर्म, 8 टर्म का डिफरेंस किससे? फ्रॉम द 13 टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट? 20. ओके, फाइंड द एपी. एक इक्वेशन ये रही आपके पास ए और डी में, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे. बट इससे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी. ओके, चलो अब देखते हैं. हाँ भाई, फटाफट बताइए, 13 टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस 12d. ओके, माइनस, अब ध्यान दें इसको ब्रैकेट में रखना है, 8 टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस 7d इज इक्वल्स टू 20. ओके, सॉल्व करते हैं, तो जगह ए प्लस 12d और माइनस ए और माइनस प्लस माइनस 7d इज इक्वल्स टू 20. फटाफट सॉल्व करेंगे, ए और ए कैंसिल हो जाएगा. 12d माइनस 7d कितना होता है? 5d बाई 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 ना, और साथ में d इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड. ठीक है, 5 से 5 गया, 5 4 था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना? 4. करेक्ट, यहाँ ले आके पुट कर दीजिए. सॉरी, इससे पहले काम, हाँ ठीक है ठीक है, तो यहाँ से a आ जाएगा, तो a प्लस d की वैल्यू 5 पुट, कितना आया? 4 आया. 4 पुट करो यहाँ, 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 19. 16 राइट में ट्रांसफर करिए, तो a इज इक्वल्स टू 19 माइनस 16, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 3. ओके, हैंस द ap इज गिवन बाय, हैंस ap. हाँ भाई, ap क्या हो जाएगी बोलिए? फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3. सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4. तो 3 प्लस 4 7. नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 7 प्लस 4 11. नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 11 प्लस 4 15. तो बस कॉमा लगा के डॉट डॉट करके छोड़ दो. आप शुरू के 1 2 3 4 टर्म्स दिखा के कॉमा लगा के डॉट डॉट करके, यहाँ कॉमा जरूर लगेगा 15 के बाद, कॉमा का मतलब अभी कोई टर्म आता होगा, फिर डॉट 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 इस तरीके से इन्फाइनेटली चलती जाएगी. कर लीजिए.